का जनरल मैथ आर्ट्स का लेक्चर 6 है। यूनिट 2 ही चल रहा है, अब हमारा यूनिट 2 आज खत्म हो जाएगा और उसमें मैंने क्या रखा है, रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट 2 की, और जिसमें एमसीक्यूज, ब्लैंक्स यानी खाली जगह और इंतखाबी सवाल टेक्स्ट बुक से आपने करने हैं। आज हमारा ये लेक्चर है, लेक्चर 6 में और सेकेंड चैप्टर है हमारा, तो ये देखिएगा और कीजिएगा। ये टेक्स्ट बुक में रिव्यू एक्सरसाइज 2 दी हुई है, ये सारे एमसीक्यूज हैं, ये वो एमसीक्यूज हैं जो 100% सवालों पर, फार्मूलाज पर डिपेंड करते हैं। आपको मैंने पूरा चैप्टर करवाया 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 कर करवाई, तो आज इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। तो रिव्यू एक्सरसाइज में हर वो चीज़ मैं देख रहा हूँ, टेक्स्ट बुक देखिएगा आपको नजर आएगा, हर वो चीज़, हर वो एमसीक्यूज जो मैंने आपको फार्मूला वाइज समझा दिया है, फार्मूला वाइज समझा दिया है, और जो तर्जी का तरीकाकार है वो सब वो समझा दिया, हर वो चीज़, हर वो एमसीक्यूज सब नज़र आ रहा है, फार्मूला 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 जो अप्लाई होता है, जो तरीकाकार मैंने तर्जी का बताया था वही चीज़ इसमें यूज हो रही है। और आठवां एमसीक्यूज, कल मैंने आपको पॉलीनोमियल सिखाया ए की वैल्यू 0, तो आठवां एमसीक्यूज वही है। नौवां भी मैं देख रहा हूँ सेम वही है, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस ए वाला, यानी कल वाला जो पॉलीनोमियल मैंने आपको पढ़ाया था, और दसवां भी एमसीक्यूज वही है। हिंदी ब्लैंक्स में वही बातें पूछ रहा है, बार बार फैक्टराइज, इसको करें फैक्टराइज, ये करें इसको फैक्टराइज करें, इसमें से अगर वैल्यू माइनस वन है तो पी एक्स क्या होगा, तो वही चीज़ खाली अभी आपने खुद ही देखनी है, सारा चैप्टर पढ़ा दिया है। तो यूँ देखा जाए तो आज का लेक्चर हमारा सिर्फ यही है कि आज हमारा लेक्चर 6 यूनिट नंबर 2 है, रिव्यू एक्सरसाइज आपने करनी है, एमसीक्यूज ब्लैंक्स वगैरह सब अच्छी तरह देखनी, मैंने देखनी है आपको हर वो चीज़ जो पढ़ाई हुई है फार्मूले के मुताबिक बताई वही चीज़ उसमें आएगी। और कल मैंने आपको कहा था कि ये जो उसका 19वां 20वां सवाल है 2.5 का, वो मैं इंशाल्लाह कल आपको करवा दूंगा, तो आज मैं आपको उसी की बेस पर ये सवाल समझा रहा हूँ, पॉलीनोमियल ए की वैल्यू 0 के मुताबिक। ज़रा गौर कीजिएगा, कहते हैं जब पी इंटू एक्स रकम दी गई है एक्स की 3 माइनस के एक्स के प्लस 3x प्लस 5, चाहे एक्स माइनस 1 पर अगर तकसीम करें तो वैल्यू 8 बचती है, और हो तो k की वैल्यू मालूम करिए, नीचे अगर 8 बचता हो तो k की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट कर लिए कि p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स 3 माइनस के एक्स की रकम लिखी प्लस 3x प्लस 5, और वही कल वाली बात जो मैंने आपको बताई थी कि x माइनस a हमारे पास क्या है, x माइनस 1, ये जिस पर तकसीम करना है, x माइनस a बराबर है x माइनस 1, और ये जो x है ये जो भी दो उधर जो माइनस हो जाएगा कट जाएगा, और बचेगा माइनस ए बराबर आ जाएगा माइनस वन, माइनस माइनस से कट जाएगा और ए की वैल्यू आ जाएगी 1। अब वही वाली कल वाली बात, अब ए की वैल्यू 1 आ गई, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1, ये 1 लगाया, ये 1 भी इसमें लगाया पावर मकाब, और 1 लगाया पावर 2, ये एक्स की जगह पर 1 लगाइए, अब ये खोल दिए ये आ गया, ये पावर खोल दी तो के आ गया, ये 3x आ गया जब 5, तो ये आ गया 5, ये 5 और 3 8, 8 हो गए 9 माइनस के बराबर, अब 9 माइनस के बराबर 8 के, अब क्योंकि वैल्यू मेरे को रखी हुई थी 9 माइनस के बराबर आ गया 8 के, ये 9 इधर के माइनस का 9 हो जाएगा, ये माइनस का के जहाँ है वही रहेगा, तो 8 में 9 में से 8 माइनस किए तो माइनस का 1 बच जाएगा, ये माइनस कट जाएगी और के की वैल्यू आ जाएगी 1। ये आपका 19वां सवाल। अब 20वां भी वैसे वही चीज़ एक्स माइनस ए बराबर एक्स माइनस 2, और ये कट जाएंगे माइनस ए बराबर है माइनस 2, और माइनस वन करके ए की वैल्यू 2 आ गई। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 2 लगाना, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, इसको ओपन किया ये आ गया 2k माइनस 2, ये माइनस 2 कहाँ से आया, ये 24 ये 26, 26 में 24 गए माइनस 2, अब चूँकि कुछ नहीं बचा तो 0 आ गया, 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये माइनस को 2 इधर आ गया प्लस का 2, अब ये 2k से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर के डिवाइड हो जाएगा कट जाएगा k की वैल्यू बन आ जाएगी। ये आज आपका अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ, पहले चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, और एक्सरसाइज एमसीक्यू द्वारा हर चीज़ मैंने आपको बताई, करके बताई प्रैक्टिकली, और एग्जाम्पल और सवाल, लेकिन आपकी तरफ से मुझे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला कि कोई प्रॉब्लम वगैरह आए, आप बताया करो ताकि मैं वो भी सॉल्व कर दिया करूँ। कल इंशाल्लाह से आगे